भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर, और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई जबरा मारे और रोए न दे कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। और जिस समय अयोध्या के पानी को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया था 1990 में, 1991 के अंदर राम उत्तर प्रदेश के जेलों में 5,00,000 राम भक्तों को भर करके दिल्ली की संसद एक ऐसा एक्ट पास कर देती है जिस एक्ट की लोग दुहाई दे करके आज यह कहते हैं कि इस एक्ट के कारण आप काशी मथुरा ये दावा नहीं कर सकते। अतः हमने भारतीय संविधान के दायरे में उच्चतम न्यायालय में आज इस एक्ट को हमने चैलेंज किया है।